ऋतिक रोशन के फैंस जो उनकी फिल्म क्रिश 4 को लेकर इस इंतजार में रहते हैं कि ये फिल्म कब शुरू होगी, आखिर इस फिल्म को लेकर क्या तैयारियां चल रही हैं, ऐसी कई अपडेट्स जानने के लिए फैंस अक्सर बेताब रहते हैं। तो उन फैंस के लिए अब हम ऋतिक की सुपरहिट सुपरहीरो फ्रेंचाइज क्रिश 4 पर लेकर आए हैं 3 बड़ी अपडेट्स। दरअसल बॉलीवुड भास्कर की रिपोर्ट के मुताबिक क्रिश 4 के राइटर रॉबिन भट्ट ने क्रिश 4 से जुड़ी कई बातें शेयर की हैं और अब एक एक करके आप क्रिश 4 से जुड़ी ये 3 अपडेट सुनते जाइए। नंबर 1, रोहित मेहरा की होगी जबरदस्त वापसी। रॉबिन भट्ट ने इस खास बातचीत में बताया, फिल्म की स्क्रिप्ट पूरी हो चुकी है, हाल ही में इसको लेकर कई राउंड की बातचीत राकेश रोशन के साथ हुई है। अब इसमें ऋतिक का ट्रिपल रोल है या नहीं वो इस वक्त तो रिवील नहीं किया जा सकता। ये भी नहीं बताया जा सकता कि ऋतिक का किरदार टाइम ट्रैवल कर अतीत में जाता है और जादू को लेकर आता है। इतना जरूर है कि रोहित मेहरा के किरदार में ऋतिक को लोग बिल्कुल अलग अवतार में देखेंगे। बेशक रॉबिन कुछ ना रिवील करना चाहते हो, लेकिन बातों बातों में उन्होंने काफी कुछ कह भी दिया है और क्रिश 4 के समझदार फैंस के लिए इशारा ही काफी है। नंबर 2, जबरदस्त VFX और ग्राफिक्स पर चलेगा लंबा काम। रॉबिन कहते हैं, रहा सवाल शूट का तो इसमें खासा वक्त है, वो इसलिए कि फिल्म में काफी स्पेशल इफेक्ट्स हैं। ऐसे में इसका प्री प्रोडक्शन काफी लंबा चलेगा, तकरीबन 1 साल तक। टेक्निकल काम बहुत है, वो पूरा करते करते कितना वक्त जाएगा वो देखना बाकी है। वैसे भी कोरोना और लॉकडाउन के चलते किसी का मिलना जुलना नहीं हो पाया, नतीजन प्री प्रोडक्शन ही अब तक शुरू नहीं हो सका है। स्पेशल इफेक्ट्स की डिजाइनिंग के लिए लोगों की हायरिंग भी होनी बाकी है और कुछ और भी टेक्निकल कॉल्स लेने बाकी हैं। नंबर 3, क्रिश 4 को शुरू होने में लग सकते हैं 1-2 साल। रॉबिन आगे कहते हैं, 2022 में ही फिल्म के फ्लोर पर जाने की संभावना बन रही है। मुझे नहीं लगता कि 2022 या 23 से पहले शूटिंग शुरू होगी। उधर ऋतिक के करीबियों का कहना है कि क्रिश 4 से पहले वो फाइटर और नाइट मैनेजर की शूटिंग पूरी करेंगे। नाइट मैनेजर की शूटिंग में ही उन्हें काफी वक्त लगेगा। मूल सीरीज तो इजिप्ट में बेस्ड था, यहाँ इसकी शूटिंग के लिए वो दिल्ली, मुंबई, गोवा, केरल, कश्मीर और पूर्वोत्तर के राज्यों में शूट करेंगे। फिर वो फाइटर पर जुटेंगे और इसके बाद ही क्रिश 4 का नंबर आएगा। यानी रॉबिन भट्ट की बातों से साफ है कि क्रिश 4 ऋतिक का अब तक का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट होने वाला है, जिसमें बजट तो ग्रैंड होगा ही, साथ ही VFX और ग्राफिक्स भी हॉलीवुड लेवल के होने वाले हैं और ऋतिक भी इसमें ऐसे अवतारों में देखेंगे जो उनके फैंस ने इससे पहले कभी नहीं देखे होंगे। और अब चूंकि इतना ग्रैंड प्रोजेक्ट है तो जाहिर है कि क्रिश 4 को बनने में टाइम तो लगेगा ही। तब तक ऋतिक के फैंस, आप ये बताइए कि क्रिश 4 से जुड़ी इन 3 अपडेट्स को जानकर आप कितने एक्साइटेड हैं। बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज, गॉसिप, फिल्म रिव्यूज, सॉन्ग रिव्यूज के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल क्रेजी फॉर बॉलीवुड को। एंड यस, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन ताकि हमारे चैनल पे आई कोई भी नई इन्फॉर्मेशन आप बिल्कुल भी मिस ना कर पाए।